वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में, और इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की, किसकी मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं कि आपसे बोलेगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वो आपको केस स्टडी देगा, वो आपको एमपीसी की वैल्यू देगा, वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट देगा, और आपको उनके न्यूमेरिकल, उनके टर्म्स को यूज़ करके आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर व्हेन द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी द 200 करोड़। बच्चे एक बात समझिए पहले, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है कि गवर्नमेंट, एक टाइम था राजा महाराजा के समय में जब अकाल की स्थिति आ जाया करती थी, जब बरसात नहीं हुआ करती थी, फसल नहीं हुआ करते थे, तो महाराजा राजा एक काम करते थे, वो नहरें खुदवाने चालू कर देते थे, वो हवेलियाँ बनवाना चालू कर देते थे। क्यों ऐसा क्यों करते थे वो? बेसिकली वो जब भी नहरें खुदवाते या हवेलियाँ बनवाते, उससे लोगों को रोज़गार मिलता, वो लोगों को पैसा देते, धनराशि देते, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का तरीका है। तो जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का था वो लोगों की इनकम बनी। आज के टाइम पर भी अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन है, मतलब बेरोजगारी जैसी स्थिति है। अब बेरोजगारी जैसी स्थिति का मतलब साफ और साफ है कि भैया फॉर्म और इंडस्ट्री नहीं चल रही है। अगर फॉर्म और इंडस्ट्री चलेंगी तो वहाँ रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो बेरोजगारी नहीं होगी। तो अगर बेरोजगारी जैसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और फॉर्म वो नहीं काम कर रही है। वो काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनका स्टॉक बिक नहीं रहा है, इसलिए काम नहीं कर रही है। अपनी इच्छा से तो कोई बंद होता नहीं है। अब उनका स्टॉक क्यों नहीं बिक रहा है? तक क्योंकि लोगों के पास में परचेसिंग पावर नहीं है, लोगों के पास में खरीदने की क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है। तो जब जैसे कि कोविड के टाइम पर, मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ, कोविड के टाइम पर देखिएगा लोगों के पास में परचेसिंग पावर कम हो गया। जब लॉकडाउन हटा तब लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि लोग जाएं और फटाफट एप्पल फ़ोन ले आएँ और भी चीज़ें ले आएँ, मार्केट चले जाएँ, घूमने कहीं चले जाएँ, पैसा नहीं था। तो लोगों ने अपनी डिमांड को कर लिया कम। अब जितने भी फॉर्म थी उनका जो आउटपुट लेवल था वो बिका नहीं, सारा का सारा वो अनसोल्ड रह गया। जब अनसोल्ड रह जाएगा आपका स्टॉक, तो आप क्या करोगे? आप अपने एम्प्लॉयमेंट को सैलरी कहाँ से पे करोगे? उसको बिठा करके आप कुछ कर नहीं सकते हो। उसको आप क्या करेंगे? आप उसको फायर करेंगे। आप बोलेंगे भैया आप अभी जाएं, जब हमें नीड होगी हम आपको बुला लेंगे। आपने अनएम्प्लॉयमेंट करा। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या होता है कि लोगों के पास में परचेसिंग पावर कम होती है, लोग डिमांड कम करते हैं, फॉर्म का अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो जाता है, फॉर्म और ज़्यादा लोगों को जो है काम से निकालते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट और जनरेट होता है, परचेसिंग पावर और लो होती है, डिमांड का लेवल और कम होता है, अनसोल्ड स्टॉक और बचता है, और अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इस पूरा साइकिल पूरी बेरोजगारी को फैला देता है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी एक अमाउंट का इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अगर फ्लाईओवर बनवाती है तो फ्लाईओवर बनवाने में जो गवर्नमेंट एक्सपेंस करेगी, सीमेंट वाले को, कॉन्क्रीट वाले को, स्टील वाले को, इन सबको जो एक्सपेंस करेगी, वो इन सब की इनकम होगी। वहाँ पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उन सब की इनकम होगी। वहाँ जो लेबर इंजीनियर काम कर रहे हैं, उन सब की इनकम होगी। आपको क्या लगता है? एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, आपसे कोई काम करवाया, आप लोगों पे खर्च कर दिए, तो आप लोगों की इनकम क्या 100 रुपये ही बनी है? नहीं, आपकी इनकम 100 रुपये नहीं बनी, मोर देन 100 रुपीज़ बनेगी। क्यों? आपकी इनकम 100 रुपये, समझिएगा, मैंने 100 रुपये खर्च करा, इन्वेस्ट करा, सॉरी, मैंने 100 रुपीज़ एज अ गवर्नमेंट, मैं 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपके ऊपर, आपको दिया, आप लोगों को दिया, आपकी इनकम कितनी बनी? 100 रुपीज़। बिल्कुल सही। क्या यही बस जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतनी ही इनकम होती है? नहीं। क्यों? आप उस 100 रुपीज़ में से कंजम्पशन करोगे, मान के चलो 10 रुपये आपने सेविंग कर लिए, बाकी 90 रुपये आप खर्च हो गए, तो 90 रुपये किसी और की इनकम बनी है, तो 100 रुपये आपकी इनकम बनी, 90 रुपीज़ किसी और की इनकम बनी, तो 190 इनकम अब तक हो चुकी है। और जिसकी 90 रुपीज़ इनकम बनी, वो मान के चलो 10% वो सेव कर लेता है 9 रुपीज़, तो 81 उसने एक्सपेंस करा, 81 और किसी की इनकम बनी। इसका क्या मतलब है? जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वलेंट नहीं हो रहा है। मैंने तो इन्वेस्ट 100 करा था, 100 रुपये गुड सर्विस प्रोड्यूस करके आप मुझे दे चुके हो, बट आपने जहां एक्सपेंस करा उसने भी गुड सर्विस प्रोड्यूस करके आपको दिया, उसने जहां एक्सपेंस करा उसने भी गुड सर्विस प्रोड्यूस करके दिया। इसलिए तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इनकम है बेसिकली हमारी मनी सप्लाई के इक्वल नहीं होती है, कि जितने भी करेंसी इशू करा है वही हमारी इनकम है। नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इससे काफी ज्यादा होता है इकोनॉमी के अंदर। नहीं तो फिर गवर्नमेंट क्यों नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगी? गवर्नमेंट तो एक काम कर सकती है कि हमने इतना मनी इशू करा यही इनकम होगी लोगों की। नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कई टाइम्स होता है इन्वेस्टमेंट का। तो ये मल्टीपल्स टाइम्स इनकम होता है इन्वेस्टमेंट का, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट का कितना टाइम्स इनकम जनरेट हुआ इकोनॉमी में। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आपको आए?
तो यहां पर इसी तरीके से एक एग्जांपल कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। चलिए मैं मल्टीप्लायर के बारे में बात करता हूं। इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज द 200 करोड़, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 200 करोड़। कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, एमपी यहां पे क्या गिवन है मेरे पास में, एमपीसी, एमपीसी 0.5 है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ, सबसे पहले इनकम होगी, तो इनकम 200 करोड़ बना, राउंड वन की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है। उसके बाद कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन बता रखा है भैया एमपीसी 0.50, ये कंजम्पशन बता रखा है, मतलब 50% कंजम्पशन हो जाएगा, तो 100 कंजम्पशन हो गया। और सेविंग में कितना ट्रांसफर हो गया, सेविंग में 100 रुपीज़ चला गया। अब जो 100 रुपीज़ कंजम्पशन हुआ वो भी क्या हुआ, वो भी इनकम मनी लोगों की, क्लियर है बच्चे। अब लोगों इनकम मनी 100 रुपीज़, उसने भी क्या करा, जिसकी इनकम मनी उसने 50% कंजम्पशन कर लिया एंड सेविंग कर ली। अब जो कंजम्पशन है वो किसी की इनकम मनी, क्लियर है, और वो इनकम बनी किसी की, देन उसने क्या करा, कंजम्पशन करा एंड 25 सेविंग कर ली। जो कंजम्पशन करा वो किसी की इनकम बनी, उसका 50% वो कंजम्पशन कर रहा है किसी की इनकम बनी, तो क्योंकि हमारे नेचर कंजम्पशन का 50% है, तो इस तरीके से चलता रहेगा हमारा, क्लियर है बच्चे, ये चलता रहेगा प्रोसेस। कब तक चलेगा, जब तक कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इनकम हुआ, बाकी सेविंग, इनकम बाकी सेविंग, तो धीरे धीरे करके सारा पैसा सेविंग ट्रांसफर हो, जब तक मेरा सारा का सारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेविंग में ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक ये पूरा का पूरा इनकम क्रिएट करता रहेगा। और इसको कैसे पता लगेंगे हम, के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, के की वैल्यू निकालने का तरीका आपके पास में बहुत सारे हैं, कि इनकम आपका इन्वेस्टमेंट का कितना टाइम्स हुआ, ये कह सकते हो के इक्वल्स टू 1/(1 - MPC), 1 मतलब टोटल इनकम एंड एमपीसी मतलब कितना कंजम्पशन कर रहे हो, डेसिमल 1 मतलब 1 में से अगर आपने कंजम्पशन को अगर आपने माइनस कर दिया तो आपके पास में सेविंग आएगी। 1 में से अगर एमपीसी होता क्या है, इनकम में जो चेंज आ रहा है उसका कितना पार्ट आपने कंजम्पशन पे डाइवर्ट कर दिया, एमपीसी 0.20 मतलब कि जो इनकम में चेंज आएगा उसका 20% आप कंजम्पशन पे डाइवर्ट कर देंगे, क्लियर है बच्चे। तो यहां पर हमारे पास में एक और 1 - MPC, 1 में से, और आपको पता है एमपीसी और एमपीएस का सम हमारा 1 होता है, एमपीसी को माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा, सेविंग, ये इनकम हो गया, इनकम में से आप कंजम्पशन माइनस कर रहे हो सेविंग, तो ये एमपीएस आएगा, तो ये आपके पास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूला है। बच्चे डिटेल में देखेंगे तो मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको। तो बेसिकली आप के की वैल्यू यहां पर किसी से भी निकाल लो, के इक्वल्स टू 1/(1 - 0.5) एंड 1/(0.5 - 2), क्लियर है, समझ में आया बच्चे आपको, नहीं आया समझ में आपको, क्लियर है। डन, पूछ कर आपसे यही समझाना था आपको, इसको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी आपको, जो कि मैंने आपको कंटिन्यूमेंट दिया हुआ है। एक्सप्लेन द वर्किंग मल्टीप्लायर व्हेन द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट द 200 करोड़ एंड द एमपीसी इज द 0.2, ऑल्सो एस्टिमेट द टोटल चेंज इन द इनकम, ठीक है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तो मैंने निकाल लिया, 2 आया इनकम में चेंज, तो के इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के क्या है मेरे पास में 2, डेल्टा वाई आपने निकालना है, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 200 करोड़, डेल्टा वाई एंड डेल्टा वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 400 करोड़, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, क्लियर है बच्चे। देखिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ तो रिवीजन में मैं तो आपको उस हिसाब से बताऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो पाए, क्वेश्चन करना कैसे है। पार्ट बी, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है आपके पास में 200 + 0.8 YD, और आपके पास में आई 100 टी 50, इन्वेस्टमेंट 100, गवर्नमेंट टैक्स 50,
एंड जी 150। तो यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो थ्री इकोनॉमी मॉडल है जहाँ पर फॉरेन सेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं बच्चे? तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन कर लेते हैं हम। कंजम्पशन करने के बाद जो हमारी इनकम होती है वो कहाँ से होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चे? सारी की सारी क्या हमारी वाई, नेट एक्सपोर्ट इसमें है ही नहीं। एंड वाई इक्वल्स टू सी क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी और वाई डी प्लस आई एंड प्लस जी। अब वाई डी क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी। वाई में से इनकम में से टैक्स माइनस कर दोगे, ऑलरेडी मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आई प्लस जी एंड दिस। तो कंजम्पशन फंक्शन ऑलरेडी हमें हमारे पास में गिवन है, कितना है 200 प्लस 0.8 और हमारे पास में बच्चे वाई डी, वाई माइनस टैक्स कितना है मेरे पास में? टैक्स 50 है। एंड इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 100 है और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 150 है। तो सॉल्व करेंगे वाई इक्वल्स टू 200 300 450 प्लस 0.8 वाई एंड 80% ऑफ दिस 40 माइनस 40 वाई माइनस 0.8 वाई इक्वल्स टू 410 0.2 वाई इक्वल्स टू 410 एंड वाई इक्वल्स टू 410 डिवाइडेड बाय 0.2। सॉल्व करेंगे एंड वाई इक्वल्स टू दो दूनी चार जीरो दो पंचे दस, तो 2050 करोड़। ये क्या है? मेरा नेशनल इनकम आया। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेविंग कैलकुलेट करना है बच्चे हमें, तो आपको इनकम तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे कैलकुलेट करना है। तो सेविंग फंक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू माइनस सी बार, जो आप जीरो इनकम के लेवल पे जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है वो आपका कहाँ से होता है? वो ओल्ड सेविंग में से होता है। तो जो आपका सी बार है सेविंग फंक्शन में माइनस सी बार हो जाता है ये, प्लस सेविंग फंक्शन बताता है कितना आप सेव कर रहे हैं, तो इनकम का कितना पार्ट आप सेव कर रहे हैं वो करेंगे। तो इनकम का पार्ट कितना सेव करेंगे आप? आपके पास में होगा बच्चे एमपीएस, क्योंकि एमपीएस बताता है कितना पार्ट आप सेव कर रहे हैं, किसका? इनकम का। क्लियर है बच्चे? बात समझ गए? तो एन एस इक्वल्स टू माइनस सी बार। सी बार क्या आपके पास में? ये हाँ पता लगेगा 200 और एमपीएस। जब एमपीएस क्या होता है? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है एंड एमपीसी आपके पास में 0.8 है प्लस एमपीएस एंड एमपीएस इक्वल्स टू 0.2। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में क्या आया 0.2 ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है आपका? नेशनल इनकम 2050 करोड़ है, ठीक है? तो सॉल्व करेंगे ये नेगेटिव आएगा, माइनस 200 एंड प्लस 410। सॉल्व करेंगे 210 करोड़। वाई माइनस टैक्स करना था ना मैं डिस्पोजेबल इनकम, माइनस सी बार माइनस 200 करोड़, ऑटोनोमस कंजम्पशन ये होता है, प्लस 0.2 इनकम माइनस टैक्स। टैक्स कितना है? 50 माइनस 200 प्लस 0.2 वाई, 0.2 एंड वाई कितना है मेरे पास में? वाई मेरे पास में बच्चे 2050 करोड़ माइनस 10। सॉल्व करेंगे आप एस इक्वल्स टू माइनस 200 एंड यहाँ अगर आप सॉल्व करते हैं तो 410 माइनस 10 400,
क्लियर है बच्चे? एंड आपके पास में क्या आया? एस इक्वल्स टू 200। बच्चे क्लास 50 न्यूमेरिकल ऐसे तो अभी मुझे पता चल, हेलो हेलो हाँ जी बच्चों, देखो जरा आपको इनकम निकालना है तो इनकम के लिए क्या अप्लाई करोगे? इनकम इक्वल्स टू सी, कंजम्पशन फंक्शन क्या हमारे पास में बच्चे? सी प्लस वही कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास में 170 प्लस 0.5 YD प्लस इन्वेस्टमेंट 170 करोड़ प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 120 करोड़ एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है इसमें, ठीक है। एंड वाई इक्वल्स टू 170 करोड़ जो होता है आपके पास में कंजम्पशन फंक्शन, हमेशा ध्यान रखना है जो कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन होता है इसमें ये फिगर जो है आपका एमपीसी होता है और ये आपका सी बार होता है बच्चे, ठीक है। तो 0.5 डिस्पोजेबल इनकम तो होता है बच्चे आपके पास में, इनकम में से आप टैक्स को माइनस करोगे एंड प्लस आपके पास में 290 एंड वाई इक्वल्स टू आपके पास में 300 और 160 460 एंड प्लस 0.5 Y और टैक्स क्या है आपका? टैक्स क्या दिया हुआ है? टैक्स दिया हुआ है आपके पास में, इसको ब्रैकेट में यूज़ करें, -80 टैक्स फंक्शन भी दिया हुआ है प्लस 0.25 ऑफ इनकम, ठीक है। ये सब्सिडी होता है बेसिकली। सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू 460 प्लस 0.5 Y, अभी इसको अंदर एंटर मत करवाओ, जीरो पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, y प्लस 80 माइनस 0.25 Y, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू 460, अब इसको आप एंटर करवा सकते हो, पहले सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 0.5 एंड वाई में से गया तो 0.75 Y एंड प्लस 80 एंड वाई इक्वल्स टू 460 प्लस 0.5 इंटू कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.375 Y प्लस 40, ठीक है बच्चे। सॉल्व करेंगे वाई में से वाई सेपरेट करेंगे, वाई माइनस 0.375 इक्वल्स टू 500, एक में से आपका गया अधर में से 375, 625, 0.625 Y, वन में से माइनस करोगे ना, अरे भाई एक में से ये जीरो जीरो है, माइनस करोगे 375 क्या आएगा आपका? 625 आएगा। अगर यहाँ पे तीन डिजिट, ये वाई है, अगर तीन डिजिट का हायर है तो इसको हज़ार मानो, हज़ार में से माइनस कर दो, दो डिजिट है तो 100 मानो, एक डिजिट है तो 10 मानो, 500 वाई इक्वल्स टू
500 डिवाइडेड बाय 0.625 एंड वाई इक्वल्स टू कितना है आपका 800 करोड़। क्या आपका आंसर आया बच्चे? आप में से किसी ने कमेंट में आंसर तक नहीं लिखा भाई, ये तो गलत बात है। समझ में आया बच्चे? और आपसे पूछ कर रहे हैं सॉल्व द क्लियर लेवल ऑफ इनकम, निकाल लिया। हाउ मच डज द गवर्नमेंट कलेक्ट इन नेट टैक्सेस व्हेन द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम? नेट टैक्सेस का कलेक्शन, तो ये सिंपल है, टैक्स का कलेक्शन कितना कर रही है? टैक्स इक्वल्स टू -80 प्लस 0.25 मतलब 1/4 ऑफ द नेशनल इनकम। तो टैक्सेस इक्वल्स टू -80 प्लस 1/4 ऑफ द 800, यही हो गया ना। एंड टैक्सेस इक्वल्स टू -80 एंड प्लस 200 एंड टैक्सेस इक्वल्स टू 120 करोड़। व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट और सरप्लस? सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है? टैक्स माइनस रिवेन्यू हो गया, क्लियर है, और ट्रांसफर पेमेंट या फिर सब्सिडी, ठीक है बच्चे। तो ट्रांसफर पेमेंट गिवन है ऊपर आपको, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने खर्च करा है। तो रिवेन्यू कितना है 120 टैक्स के थ्रू, और गवर्नमेंट खर्च कितना कर रही है 120, जीरो बैलेंस ऑफ द बजट है, क्लियर है। डिराइव द सेविंग फंक्शन, फाइंड द लेवल ऑफ द सेविंग, द क्लियर लेवल। सेविंग फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे? एस इक्वल्स टू -C¹ प्लस MPS और डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू C¹ क्या है? माइनस जो ऑटोनोमस कंजम्पशन आपके पास है -170 प्लस MPC क्या है? MPC आपके पास में 0.5 है, तो आपका MPS 1 माइनस 0.5 एंड डिस्पोजेबल इनकम, दिस सेविंग फंक्शन, क्लियर है बच्चे। फिर इसमें अप्लाई करके आपको निकालना होगा, क्लियर है ना। निकाल लोगे आप डिस्पोजेबल इनकम, वाई माइनस एस इक्वल्स टू -70 प्लस 0.5 वाई माइनस टैक्स, क्लियर है बच्चे। अब वाई भी है, टैक्स भी आपके पास में, क्या दिक्कत क्या है? टैक्स है आपके पास में, वाई क्या है 800 माइनस 120 कर दो, डायरेक्ट आपका आ जाएगा, क्लियर है ना। 100 आपके पास में 680 का आधा 340, 340 माइनस 170 170, क्लियर है बच्चे। तो कितना है सेविंग 170 और ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है वैसे, क्लियर है। डाउट नंबर बता दूं, डाउट नंबर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, एक बार टीम से बोल दीजिएगा सर का पर्सनल नंबर दे दो तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा, क्लियर है बच्चे। तो ये आपके पास में कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हम लोगों ने करे, अब मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल इनफ करवा दिए हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो वो करवा दिया। अब आपके एग्जाम में क्या आने वाला है जो कि कन्फर्म है, वो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो कन्फर्म कन्फर्म है, पक्का पक्का क्या करके जाएंगे आप।